हाउस में झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक खीरू माथो ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में खीरू माथो ने झारखंड राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के वादे को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में जेडीयू पार्टी को सशक्त बनाने की बात कही है। झारखंड सरकार एकदम निकम्मी पिछड़े काम कर रही, जो बड़े बड़े पुल पुलिया बन रहा था, रोड बन रहा था, ओवर ब्रिज बन रहा था, सब जो कहता हूँ रुक गया है, कोई काम नहीं हो रहा है सरकार में। ये सरकार तो बोली थी पिछड़े वर्ग को हम लोग 27% आरक्षण देंगे 2019 में घोषणा पत्र में दिया, लेकिन अभी तक नहीं किया, जबकि इसकी सरकार हमारी सरकार है सो बिहार में है, हम 36% ऑलरेडी आरक्षण वहाँ दे रहे हैं 36, लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन बोले कि हम 127% की सहमति दे रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।